डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी की मैथ एक्सरसाइज 3.3 के सम करेंगे सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सम है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। ये नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमने जो 4 से डिवाइड होती है वो नंबर फाइंड आउट करनी है और जो 8 से डिवाइड होती है वो नंबर फाइंड आउट करनी है और डिवाइड करके नहीं देखना, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें नंबर फाइंड आउट करेंगे डिविजिबल बाय 4। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर्स और डिविजिबल बाय 4 इक्वल टू। अब एक एक करके हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके और ये चेक करना है कि नंबर 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अब हमें पता होना चाहिए रूल क्या है, ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती, इसके लिए हमें नंबर के लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना है। केवल आगे चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने डिजिट हो, लास्ट के 2 डिजिट पे। जैसे इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 72 अगर 4 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 72 को आप एक तरफ रफ में लिख के डिवाइड करके देख सकते हो या मान कर सकते हो। जैसे 4 बन जा 4, 3 बचे उतार 2, 4 8 13 कंप्लीट डिवाइड हो गया ये, तो ये 572 पूरे डिवाइड हो जाएगी। अब ऐसे इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 52। 52 को 4 से डिवाइड करके देखो, पहले 5 है तो 4 बन जा 4, बचेगा क्या 1, उतारोगे 2, 4 3 जा 12, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये, तो ये नंबर पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0, जिसके लास्ट के दोनों डिजिट 0 हो वो भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये डिवाइड हो गए। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 59। अब देखो पहले 5, 4 बन जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, उतारेंगे 9, अब 19 हो गया, 19 4 के लेवल में नहीं आता तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। अब आगे इसमें इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 60, पहले गया 4 बन जा 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, उतारोगे 0, 4 5 जा 20, तो कंप्लीट हो गया डिवाइड, ये नंबर डिवाइड हो जाएगी। और नेक्स्ट इस पे आगे हम ये देखो 84, चेक करो 84 डिवाइड होता है 4 से, 4 2 जा 8, कुछ नहीं बचा होता है 4, फिर 4 बन जा 4, कंप्लीट हो गया, तो ये भी सेम पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। और इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 72 है, देखो इसमें भी 72 था, इसमें भी 72 था तो डिवाइड हो गया था, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगी। दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो 0 है दोनों, तो डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या, 50, देखो डिवाइड होता नहीं होता, 4 बन जा 4, बचेगा क्या 1, उतारोगे क्या 0, और 10 4 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर डिवाइड नहीं होती। तो बच्चों 4 से डिवाइड होने वाले जो नंबर थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो 8 से डिवाइड होते हैं, अब इसको यूज कर देते हैं। अब लिखेंगे नंबर्स और डिविजिबल बाई 8। अब 8 से कोई नंबर डिवाइड होती है या नहीं होती है चेक करने के लिए हमें
उसके लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे। अब जैसे 572 इसमें है 3 डिजिट, तो पूरे को ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अभी कोई अगर किसी को नंबर में आते हो तो नंबर में करके देखो लास्ट के 3 डिजिट को, नहीं आते तो लिख के करके देखो। 8 7 56 1 2 8 1 8 4 रिमाइंडर बच गया, इट में से ये डिवाइड नहीं होगी। अब इसके लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 352 को करके देखो, ऐसे कर देते हैं बाय का मीनिंग भी डिवाइड होता है। 8 4 32 35 में से 32 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, होता है 8 4 32 कंप्लीट हो गया डिवाइड, ये कंप्लीट हो गया, ये पूरे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 7 2 6 3 5 2 अब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 500 500। जैसे आपकी मर्जी वैसे डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन देख रहे हैं ओनली लास्ट के 3 डिजिट। 8 6 48 2 बचे होता है 0 28 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। अब आगे इस पे इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0। अगर लास्ट में तीनों डिजिट 0 आ जाए तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगी, 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो गए, 159 8 1 8 सेवन बचे होता है 9 और 79 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। अगले में लास्ट के 3 डिजिट क्या हो गए, 560 को देखो डिवाइड करके, 8 7 56 बचा कुछ नहीं होता है 0 0 तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। इजी है ना बच्चों, पूरी नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट के ओनली हमें 3 डिजिट करते हैं। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट के अगर होंगे तो क्या आएगा, 84 84 में क्या हुआ, 8 1 8 4 उतारोगे तो टेबल में आएगा नहीं, तो इट मीन्स डिवाइड नहीं होगी। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 72 8 की टेबल में आता है तो नंबर डिवाइड हो जाएगी। 8 9 का 72 होते हैं, तो पूरी नंबर हमें डिवाइड नहीं करके देखनी पड़ी, लास्ट के 3 डिजिट देखे और पता लग गया कितने नंबर डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 700 700 को देखो, 8 8 64 10 में से 4 गया 6 उतार है 0 16 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। अब ये 150 8 1 8 बचे 7 उतार है 0 78 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। इनको हम आकर के यहाँ फुल स्टॉप, तो देखो बच्चों 4 से डिवाइड होने वाली अंतर फाइंड आउट करती है और 8 से डिवाइड होने वाली अलग फाइंड आउट करती है, तो ये आपका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड सम क्या है।
ये कुछ नंबर दिए गए स्टूडेंट्स, इनमें से हमने कौन से नंबर फाइंड आउट करनी है, नंबर आर डिविजिबल बाई सिक्स। तो लिखते हैं पहले नंबर्स आर डिविजिबल बाई सिक्स इक्वल टू, अब सिक्स से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है, तो कैसे पता लगाएं कि सिक्स से कोई नंबर डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो इसके लिए बच्चों हमें दो टेस्ट करने पड़ेंगे, एक तो पहले देखना है कि नंबर टू से डिवाइड होते हैं या नहीं होते, और फिर देखना थ्री से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। जो टू से भी और थ्री से भी दोनों से डिवाइड होगी वो नंबर सिक्स से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हमें यह पता होना चाहिए कि टू से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे फाइंड आउट करें, फर्स्ट सम में मैंने बताया था, अब एक बार फिर बता देता हूं। जिसके लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट, जिसके लास्ट में या तो जीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स हो या एट हो, वो नंबर टू से डिवाइडेड हो जाए। तो यह तो हो गया टू का टेस्ट। अब कैसे पता लगाएंगे थ्री से डिवाइड होगी या नहीं होगी, जितने भी डिजिट हैं उनका सम अगर थ्री से डिवाइड हो गया तो नंबर डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय थ्री, सम मीन्स इनको टोटल करके देखना। अब पहले तो ये देखो ये टू से डिवाइड होती है नहीं होती, नंबर बताओ। लास्ट में फोर आया है तो इनमें से टू से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जीरो टू फोर सिक्स एट इनमें से कोई भी डिजिट आ गया तो टू से डिवाइड हो जाएगी, तो एक तो हमारा पार हो गया। अब देखो थ्री से डिवाइड होती है नहीं होती, सम ऑफ डिजिट्स इनको सम टोटल करो, टू में नाइन एड किया इलेवन, 11 में 7 ऐड किया 18, 18 में 1 ऐड किया 19, 19 में 4 ऐड किया 23, 23 में 4 ऐड किया 27, 27 बताओ 3 के टेबल में आएगा, 3 9 जा 27, इट मींस ये 3 से भी डिवाइड हो जाती है। पहले मैं बता भी चुका हूँ ऐसे, फिर इसको एक बार क्लियर बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये नंबर है हमें चेक करनी है कि 3 से डिवाइड होती है नहीं होती, मैंने क्या किया 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 इन सब को ऐड किया है, तो इन सब को ऐड किया तो 27 आ गया। अब ये 27 बताओ 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है, होता है, तो ये भी इसके नंबर भी डिवाइड हो जाए। तो ये बच्चों 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगी। तो ये नंबर अभी यहाँ लिख देंगे। अब ये देखो लास्ट में 8 है, 8 मींस ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का चेक करो होती है नहीं, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 5 ऐड किया 8, और 8 में 8 ऐड किया 16, और 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 3 से नहीं होगी तो फिर 6 से भी होगी, क्योंकि 6 की कंडीशन क्या है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी जरूरी है, तो ये हमारे काम की नहीं है। अब इसका आ जाओ लास्ट में 5, और ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, जब 2 से डिवाइड नहीं होती तो 3 का हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके आ जाओ लास्ट में क्या 3, इनमें से कोई डिजिट नहीं आया तो इनमें से 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो आगे हमें 3 का टेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। अब इस पर आ जाओ लास्ट में 2 है, 8 में से 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी तो 3 का टेस्ट चेक करना है। 9 में 1 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 5 ऐड किया 18, और 18 में 2 ऐड किया 20, और 23 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसमें आ जाओ लास्ट में क्या है 0, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके 3 का टेस्ट है, तो इसको 3 से हो गया 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में ऐड किया 15, 15 में 7 ऐड किया
22 में 5 ऐड किया 27 और 27 है 3 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई, इट मींस ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब इस तरह के बच्चों ये तो लास्ट में 4 है, इट मींस 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का टेस्ट करो, 1 में 7 ऐड किया 8, 8 में 9 ऐड किया 17, 17 में 1 ऐड किया 18 और 18 में 8 ऐड किया 26, 26 में 4 ऐड किया 30 और 30 3 की टेबल में आता है, तो ये मींस ये 6 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो गई और 3 से भी डिवाइड हो गई। अब इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है, 3, लास्ट डिजिट 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती, तो हमें 3 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आ गया, 0, लास्ट में 0 आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 का टेस्ट चेक करो। इसके 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 9 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 20, 20 में 1 ऐड किया 21, टोटल आ जाएगा 21 और 21 3 की टेबल में आता है, तो इनमें से 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक करो ये लास्ट का डिजिट क्या है, 2, इट मींस ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का टेस्ट चेक करो, इसके 1 में 7 ऐड किया 8, 8 में ऐड किया 16, 16 में 5 ऐड किया 21 और 21 में 2 ऐड किया 23 और 23 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगी। तो बच्चों ये नंबर है आपकी 6 से डिवाइड होगी जो नंबर में दे गए थे उनमें से, बाकी नंबर डिवाइड नहीं होगी। तो लास्ट में जो नीचे हम काम किया है ये इरेज कर देना है और ये आपके आंसर सेकेंड और थर्ड सॉल्व कंप्लीट हो गए।